लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आज 31 मई 2022 शाम तक मतदान किए जाएंगे। वोटिंग के दिन भी कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। युवाओं से लेकर 85 वर्षों के बुजुर्गों तक सभी में मतदान के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करें मत प्रतिशत की तो दोपहर 3 बजे तक 91.05% मतदान चंपावत की जनता ने किए। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतुड़ी भी अपना मत दे चुकी है। मुख्यमंत्री और उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी चंपावत को उसका पुराना गौरव दिलाना है। माँ पूर्णागिरी धाम, गुलजू दरबार, हिंगला देवी, देवीधुरा धाम, श्यामला ताल, गोरखनाथ दरबार सहित तमाम धर्म स्थल अध्यात्म की बुलंदियों के साथ पर्यटन मानचित्र पर चमकेंगे। वही आधारभूत ढांचे और बुनियादी सुविधाओं को गति देकर चंपावत के लोगों की विकास की आकांक्षा को रफ्तार दी जाएगी। निर्मला गैतुड़ी ने पुष्कर सिंह धामी के बयान पर कहा कि चंपावत से लेकर प्रदेश के विकास में भाजपा सरकार के 5 साल नाकामी का दस्तावेज है। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा आगे ऐसा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? सीएम के मैदान में होने के बावजूद पूरी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और संगठन की फौज तो चंपावत में डटी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री को भी चुनाव प्रचार के लिए लाना इस डर की तस्दीक करता है। कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस लगातार कह रही है कि चंपावत का विकास सिर्फ वही करेंगे और चंपावत की जनता उन्हें जिताएगी। जनता तो आज मतदान कर रही है, इंतजार है आज से 3 दिन बाद यानी 3 जून का, जब मतगणना की जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि चंपावत की जनता ने किस पर भरोसा जताया। आपको क्या लगता है, इस उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।